मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा मोहम्मद हफीज अवान, एक बार फिर मिस्र के शहर अलकायरा से। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ आप लोगों के साथ और अपने कोलीग के साथ तूर सीना पे। तो मेरे साथ कौन कौन मौजूद है जी? यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ अबू बकर साहब, मिस्टर हमाद जो कि इसमें फुल क्या कहते हैं आइस प्रूफ, मिस्टर बासित, मिस्टर शफीक खान, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू, और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर काशिफ और हमीर और मिस्टर फात। तो अब हमने अपना सफ़र स्टार्ट करना है, तूर सीना के ऊपर चलने का, हाइकिंग स्टार्ट करनी है। ये हाइकिंग रैक है प्रॉपर जो जा रहा है ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला अब हम चले थे 4:30 शाम के वक्त, और दिसंबर की आज 4 तारीख है, तो सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो टेम्परेचर 3 पे है, तो ऊपर जो है ना -2 और -3 सुनने में आया। तो हम चले थे कैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से 3:30-4 बजे, तो अभी बज चुके हैं 2:30, रात के 2:30 बज चुके हैं। हमारी गाड़ी थी, हमारे हाई टोटा हाईएक्स था, तो हम आराम आराम के साथ अपने आते रहे हैं और हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फाहद, एक और मेरे दोस्त हैं, वो भी अभी वो तैयार हो रहे थे। ये देखें जी फाहद साहब, फाहद साहब बिल्कुल रेडी हैं, हवा चल रही है, ठंडी है। तो इंशाल्लाह फिर आगे आपको सुबह जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताऊंगा। हाँ जी, हम अब तमाम दोस्त जो है ना तकरीबन आधा रास्ता जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं, और इस तरह के छोटे छोटे स्टॉप बने हुए हैं। और सर्दी तो अभी हमें नहीं लग रही क्योंकि हम हाइट पे आ रहे हैं, तो पसीना आ रहा है हम सबको। काशिफ भाई और हमाद साहब, बासित साहब भी बैठे हुए हैं, बासित साहब भी, फात साहब भी हैं। तो तमाम दोस्त अभी इस तरह की कॉफ़ी शॉप भी बनी हुई है, पानी की कॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह आप अगर इधर से लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। इधर से गुजरना है, ये देखिए This is Musa our guide today. Yes, I am. Yeah. Musa al Masri. अब मैं पहाड़ की चोटी पे आ चुका हूँ, जबल मूसा पे पहाड़ है। तो अभी मेरे दोस्त भी कुछ आ चुके हैं, आप देख सक रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची है, ये साथ बच्चा अच्छा है, ये शफीक भाई हैं। वो सूरज अभी निकल रहा है मेरी आंखों में, आप देख रहे हैं। अभी मैं सूरज की तरफ आपको कैमरा लगाता हूँ, शायद कैमरे में आ जाए। ये बहुत बड़ी, ये देखें सूरज पहाड़ से, पहाड़ों से नज़र आ रहा है, बिल्कुल मुझे ऐसे ज़मीन से नज़र आ रहा है। तो आपको कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, सूरज से नीचे और मैं ऐसे उसको ऊपर से देख रहा हूँ। ये सारा रास्ता हम तय करके आए, रात बहुत दुश्वार रास्ता है जी, और बहुत ही बड़ी खाई है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके इर्द गिर्द। ये देखें पहाड़ अपना मुख्तलिफ कलर दिखा रहे हैं जी। इस गार में जब इबादत करने के लिए आते थे, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ वो गार, तो आप वो गार देख लें। ये वो मस्जिद के नीचे गार है। अच्छा जी, छोटी सी 5-6 सीढ़ियाँ हैं और नीचे और मेहराब बना हुआ है, और नीचे एक बंद मसला
फिराने की जगह है, वहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह है। और आपको मैं थोड़ी सी ऊपर मस्जिद की तरफ चलाता हूँ। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है 2885 सतह समुंदर से ये ऊपर इसकी ऊंचाई है, सारा लिखा हुआ है इसकी डिटेल। आपको यहाँ से इसका व्यू दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद है छोटी सी बिल्कुल। अंदर अंधेरा है शायद आपको नज़र ना आता हो, लेकिन और इस तरफ भी पहाड़ हैं। देखें पहाड़ का कलर चेंज हो रहा है, कलर अब सुर्ख हो गया है। ये टाइम जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है पहाड़ अपना कलर चेंज कर रहे हैं। और ये मेरे बाकी दोस्त वहाँ पे तो पिक्चरें बना रहे हैं। और ये मस्जिद के बिल्कुल सामने एक चर्च है जो अभी बंद है शायद। ये वहाँ पे एक छोटा सा वाशरूम बना हुआ था। ये सारा नज़ारा है जी, आप देख सकते हैं। अभी फिर मैं आपको यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखें। और जाते वक्त भी आपको दिखाऊंगा। रात को तो अंधेरा था नहीं दिखा सका, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सूरज अभी भी निकल रहा है, कितने नज़र आ रही हैं ये देखें। ये चर्च, वो पहाड़ों का डिफरेंस कलर। जबले तूर पे हूँ, जबले मूसा भी इसको कहते हैं, कोई तूर भी इसको कहते हैं। और बहुत दुश्वार रास्ता है जी, 750 स्टेप हैं पत्थर के बने हुए। एक तो होते हैं घर में बनी हुई सीढ़ी, एक होते हैं पत्थर के बने हुए स्टेप। तो ये पत्थर रख रख के उन्होंने 25 साल में सीढ़ियाँ बनाई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो फासा आ रहे हैं सब हैं, ये देखें काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। और दुशवार रास्ता है ये, और फास आप रहते हैं। अस्सलाम फास भाई, कैसा फील कर रहे हैं जी? Now is about -1 or 0. You can see the all mountain. It's a wonderful view. ये यहाँ पे चर्च की घंटी लगी हुई है, और ये आपको दिखाता रहूँ, ये सामने वाले पहाड़ों का नज़ारा है। और इस तरह के पत्थर के स्टेप बने हुए हैं जो कि 750 स्टेप हैं। तो उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। रात को हम इस सारी पहाड़ियों से होते हुए ऊपर आए हैं,
अभी मैं नीचे वापस जा रहा हूँ। तो ये मेरे बैक साइड पर मस्जिद भी रह गई और चर्च भी, और अभी ये मैं आपको नीचे जाने का रास्ता बताता हूँ कि वो कैसा था। बहुत ही डेंजरस किस्म का रास्ता है, जवान बंदे आ सकते हैं, बूढ़े बंदों का काम नहीं है। और अल्लाह ताला हमारी हाज़री कबूल करे। तमाम लोग अपनी आँखों से मेरे कैमरे की मदद से देख रहे हैं पहाड़ तूर जबल मूसा। ये देखें, ये इस तरह के स्टेप बने हुए हैं पत्थर के, 25 साल लगे हैं कहते हैं कि स्टेप बनाने में। और आप वो देख सकते हैं वो जगह, इससे भी नीचे ऐसे करके हमने जाना है। लेकिन ये सारा वॉकिंग रास्ता है, इस पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती। और ये इस तरह का मुश्किल रास्ता है, रात को ये हम रास्ता चढ़ते रहे हैं अंधेरे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरज निकलने से एक मिनट पहले पहुंच आए थे और हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। हमारी ये ज़ियारत मिस्र में हो गई। ये एक मुकद्दस मुकाम था, जो एक हर एक की ख्वाहिश थी कि जो मिस्र आए और इस ज़ियारत पे ना आए तो हो नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं ये पत्थर के स्टेप बने हुए हैं, वो बंदे जा रहे हैं नीचे, और बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। मेरे दोस्त काफ़ी नीचे चले गए हैं, एक दोस्त ऊपर शफीक रह गया है, उसको मैंने कहा है वो अभी आ रहा है। लेकिन अभी मैं इन पत्थरों से ये देखें मूव कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं अभी उतर रहा हूँ, ये अभी उतरना भी बड़ा मुश्किल है। और रात को मैं किस तरह चढ़ा हूँ आप देख रहे हैं, ये पत्थर बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनके पाँव स्लिप भी हो सकता है। और हाइट देखते हैं, और इससे मज़ीद आपको आगे में खाई जो है ना वो बताऊंगा। तो अल्लाह के करम का फजल के साथ 2285 मीटर की ये चोटी है, जो कि आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको सर किया है और मैंने ये ज़ियारत की है आप लोगों की दुआ से। और रात को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी उतरते वक्त डर लग रहा है, क्योंकि नज़र बहुत नीचे जाती है तो फिर बंदे को डर लगता है उतरते वक्त कि भाई पाँव स्लिप ना हो जाए। तो अल्लाह ताला मेरा सफ़र आसान करे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपने अभी मैं दोबारा ऊपर पहाड़ी दिखाता हूँ, ये देखें पहाड़ चढ़ते हुए वो शफीक भाई आ रहे हैं, ये सारा पहाड़ हमने ऊपर चढ़े हैं। हाइकिंग की ये बहुत सख्त किस्म की हाइकिंग है। ये वो झाड़ियाँ हैं जी, जिन झाड़ियों का मैं कह रहा था। और इस यहाँ पे एक और बात भी है, इन पत्थरों के अंदर ना पत्थरों के अंदर झाड़ियों के निशान बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इनको तोड़ें और अंदर से भी यही निशान निकलते हैं, जिसको बर्निंग बुश कहते हैं इंग्लिश में, बुश। तो अभी मौसम बहुत ठंडा है, हवा चल रही है यहाँ पे। तो मैं अभी आपको देख रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं स्टेप, वो लड़के मेरे काफ़ी आगे चले गए हैं, वो जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इससे भी ख़तरनाक रास्ते आगे आपको बताता हूँ। ये इतना सख्त पहाड़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर आते थे अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए इस पहाड़ी पे। और ये देखें अभी काशिफ भाई कुछ दिखा रहे हैं, स्टोन्स हैं, स्टोन्स, ये स्टोन देखें, इनमें क्रिस्टल टाइप के स्टोन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरी पहाड़ी के अंदर। और ये देखें हमारे अंबिया जो दीन इस्लाम की तबलीग करने कितने मुश्किल और रस्तों से चल के अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए आया करते थे इस पहाड़ के ऊपर। और ये देखिए डेंजरस लिखा हुआ है, डेंजरस, ये इजी नहीं है। ये देखें नीचे खाई देख लें, बल्कि इस साइड में आपको खाई दिखाता हूँ, वो देखें। और नोकीले पत्थर हैं, अभी काशिफ साहब आगे आगे जा रहे हैं, और हम तक दीन इस्लाम पहुँचा है, बड़ी मुश्किल से पहुँचा है। ये बाकी तमाम अंबिया पर भी इसी तरह की सख्तियाँ आती रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। यहाँ पर हर मज़हब के लोग आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। ऊपर चर्च भी था और मस्जिद भी बनी हुई थी। देखें जी
सुर्ख किस्म की चट्टाने और वो नीचे खाई और वो मेरे दोस्त जा रहे हैं तीन, काशिप भाई, भट साहब और बासा साहब जो है ना बड़ी तेजी के साथ नीचे उतर रहे हैं। और सामने आप चाट पहाड़ी की देख सकते हैं, ये इन सब पहाड़ियों से ऊंची पहाड़ी है जिससे हम उतर रहे हैं। फाद साहब अभी जबले मूसा से उतर रहे हैं जी, जिसे कोई तूर भी कहते हैं, और बड़ी दुश्वार स्टेप है। और सामने आप पहाड़ियां ये चोटियां देख रहे हैं। मिस्टर फाद, यस, ओके, ऐसे वापस ना कर लगे। ये देखें जी, पीछे बाबर अबू बकर साहब आ रहे हैं, फाद साहब आ रहे हैं। कैप मैंने पहनी हुई है, बहुत ठंड है, सर्दी है, ठंड की सियाह हवा चल रही है, यहाँ पे नाक से पानी बह रहा है। और देखें ये चट्टान, और वो देखें ऊपर चट्टान है। और ये हमारा गाइड कह रहा है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी जल्दी चलें, नीचे उतरें और टाइम पे नीचे जाना है। तो गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रिक्टनेस होती है, रात को ऊपर सफर करवाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आना पड़ता है नीचे। तो बड़े मुश्किल किस्म के स्टेप हैं यार, ये देखें, ये आसान स्टेप नहीं है। घर में तो सीढ़ियां आसान होती हैं, ये कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, और कुछ पत्थर है, ये देखें। Here we are coming from the top of this mountain, and you see the shape of the mountain. Stones is very curved forms, like sometimes there is some water, but here is snow falling. Due to maybe the snow falling, water melting, all this happened here. ये देखे जी, सब टीम इस पहाड़ की चोटी से उतरते हुए, कोरेतूर से उतरते हुए, फाद साहब, बाबर गुड बाय कर रहे हैं जी, भट साहब, मिस्टर मूसा, मिस्टर समीर, समीर इज वेरी ट्रेड, वो उसकी तो बैटरी खत्म हो गई, मिस्टर शफीक। तो ये देखे जी चोटी, इस चोटी से हम आए हैं, ये देखें, और वो शफीक भाई आ रहे हैं भाग के। और ये रास्ता है जी ट्रैक सारा, ये अब जा रहे हैं वापस, ये देखें, ये देखें शफीक भाई आ रहे हैं वापस। और नेकी का काम करते जाएंगे, करना ही चाहिए जी। और ये देखें, ये इस पूरा ट्रैक है, आपको मैं पूरा ट्रैक बताता हूँ, आपको शायद कैमरे की आंख दिखा सके। वो एक शॉप बनी हुई है रास्ते में, टी शॉप मिल जाती है, और रात को हम यहाँ पे बैठे थे, चाय पी थी। थोड़ा सा जो कैमल है, जो ऊंट वाले हैं, वो यहाँ तक आते हैं, इसके ऊपर जो है ना वो पैदल आपको जाना पड़ता है। उसके बाद ये छोटी सी आपको लाइन नजर आ रही है, ये देखते हैं, ये वाली ये लाइन है। ग्लव्स मैंने पहने हुए, अभी भी ठंड है। और ये जिग जैग करते 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 इस पहाड़ी के पीछे से होते हुए, वो छोटी सी एक दुकान और बनी हुई है शॉप, और वो जिग जैग करते हुए पहाड़ी, ये इस पहाड़ी से भी
पीछे जा। ये जो शॉप बनी हुई है जी, रास्ते में आपको कॉफी चाय चॉकलेट वगैरह इसमें मिल जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज के नोट लगे हुए हैं। बड़ी खुशी हुई पाकिस्तान का 100 का नोट देखकर और ये पाकिस्तान का 50 रुपए का नोट देखकर। और ये कॉफी शॉप हमने रात को यहाँ पे स्टे किया था, कॉफी पी थी। फास्ट सब बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के झंडे लगे हुए हैं। ये अभी रेस्ट कर रहे हैं, अभी हम उतरे हैं नीचे। और ये अबू बकर सब रेस्ट कर रहे हैं, काशिफ भाई रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एंटीक थोड़े से ये बने हुए हैं, पड़े हुए हैं। ये प्राइस है इनकी 10-10 पाउंड पाकिस्तानी, 100 रुपए का ये पत्थर है। इसके ऊपर ये निशान में कह रहा था जो बने होते हैं ये। और हाँ, और ये जैसे आप इसको तोड़ते जाएंगे इसमें से यही झाड़ी के निशान आते जाते हैं, ठीक है। और ये सारी शॉप है हर्ष भाई है। ओके समीर भाई हमले बाहर, आपको एक कैमल दिखाता हूँ। ये देखें बड़ा नज़ारा है यार, ये देखो ये कैमल है। इस पे लोग ऊपर तक आते हैं और यहाँ नीचे तक जाने के लिए ये कैमल इसको रेंट करते हैं। ये आपसे पैसे लेता है, ये कैमल वाला है। ये देखें इसको कहते हैं कैमल। और ये छोटी सी दुकान है जी, तकरीबन 5 थोड़े थोड़े वक्फे पे ना काफ़ी सारे। Informations and this is St. Catherine Church. We will see if it's open and we're allowed to go inside. So hello, here is the St. Catherine, but fortunately or unfortunately today is Friday and it's closed. They are not allowed to anyone to inside. They have some securities and other issues, so we can just make a video from outside. You can see the infrastructure here. I will try to make the little zoom. This is the main entrance. Here security people are there. It's a little garden. And I think so this is the main entrance. And then the upstairs, the other floors, I don't know what is here. But it's a big church and the old church, famous with the St. Catherine. And this place is also here locally pronounced as St. Catherine. And this is all the mountains. Oh, it's a big journey. So the other side of the this the mountains, you can see the shape of stones and the structures is very strange. It's like somewhere from water is here, like sea, but there is no any sign of like this. Thank you. Bye bye. हाँ जी, ये वो पॉइंट है, ये जो लिखा हुआ है द गोल्डन गोल्फ, वो आप ये मेरी फिंगर के ऊपर देखें, जो सामरी जादूगर ने गोल्डन बछड़ा बनाया था वो जब मूसा इस्लाम गए थे चेले पे 40 दिन के लिए तूर सीना पे। जब वापस आए थे तो उनकी कौम जो थी ना वो बछड़े की इबादत करने लगी थी, और वो बछड़ा जब उन्होंने तोड़ दिया था तो वो पहाड़ में उसका एक अक्स रह गया था, वो ये है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरा एक गाय का बच्चा बना हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ।